Hello everyone, welcome again. This is Vinay Pandey. Students, this video is for class 12 beginners. जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि क्लास 12 के स्टार्टिंग से चैप्टर्स की सीरीज़ भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, तो हायर एजुकेशन के साथ साथ हमारा एकेडमिक्स में भी फोकस रहेगा. द फर्स्ट चैप्टर आई एम टेकिंग इज़ मैट्रिसेस. दिस चैप्टर इज़ कंपैरेटिवली ईजियर चैप्टर फॉर क्लास 12. जैसे कि आपको पता है कि अभी पूरे इंडिया में लॉकडाउन की कंडीशन है, तो जैसा मैंने पहले वीडियो में मेंशन किया था कि वीडियोस को बोर्ड पे शूट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो फ़िलहाल जो वीडियो की सीरीज़ चल रही है वो मैं इसी तरीके से पेपर में आपको करके दिखा रहा हूँ. तो जल्दी ही जैसे ही कंडीशंस सही होती है इंडिया में, हम फिर से उसी तरीके से बोर्ड पे शूट करना शुरू करेंगे. तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट. बात करते हैं, जो पहला चैप्टर मैं लेने जा रहा हूँ वो एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है. हालांकि हम बात करें क्लास 12th में, तो क्लास 12th का पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन आता है, उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है. तो क्योंकि कंपैरेटिवली ये मैट्रिसेस वाला चैप्टर इजी रहता है, तो पहले हम इसको कर रहे हैं, फिर हम बाकी चैप्टर्स को भी धीरे धीरे कंटिन्यू में शुरू करेंगे उसके बाद. तो बात करें मैट्रिसेस की, तो मैट्रिसेस इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का प्लूरल जो होता है उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं. अब मैट्रिक्स या मैट्रिसेस होती क्या है, इसका बेसिक सिंपल सा कंसेप्ट समझते हैं. और ये कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जांपल के थ्रू. लेट अस टेक एन एग्जांपल, उसके बाद डेफिनेशन बनाएंगे इसकी. तो अगर मैं एक बात करूँ, क्लास में एक टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट, और क्लास टेस्ट में तीन फ्रेंड्स हैं, राम, श्याम और रमेश ले लेते हैं. ये तीन फ्रेंड्स हैं और इन तीनों फ्रेंड्स के कुछ सब्जेक्ट्स में मार्क्स रहे होंगे. जैसे राम के इंग्लिश में 17 मार्क्स और श्याम के इंग्लिश में 8 मार्क्स, और इसके सपोज़ 15 मार्क्स आए आउट ऑफ 20 की बात कर रहे हैं फ़िलहाल हम. और ये इंग्लिश की हो गई बात. मैथ्स में सपोज़ इसके 18 मार्क्स हैं, इसके 10 मार्क्स हैं और इसके 19 मार्क्स हैं. और इंग्लिश लिया हमने, मैथ्स लिया, हिंदी ले लेते हैं थर्ड सब्जेक्ट. और थर्ड में हमने देखा कि इसके 11 आ रहे हैं, इसके 7 आ रहे हैं और इसके 12 आ रहे हैं. मैट्रिक्स का बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं हम. तो क्लास टेस्ट का एक एग्जांपल ये, 20 आउट ऑफ 20 में से तीन स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स का कंपैरिजन किया है. ये उनके इंग्लिश के मार्क्स लिखे मैंने, ये मैथ्स के और ये हिंदी के मार्क्स. अब इन मार्क्स को हम इस पर्टिकुलर पैटर्न में लिख सकते हैं. कैसे, जैसे मैंने यहाँ इंग्लिश के मार्क्स लिख दिए, यहाँ मैंने लिख दिए मैथ्स के मार्क्स और यहाँ मैंने लिख दिए हिंदी के मार्क्स. और फ्रेंड्स कौन कौन हैं, पहले नंबर पर राम ले लिया, फिर मैंने श्याम ले लिया और देन मैंने ले लिया रमेश. देखिए, राम के इंग्लिश में कितने थे, 17. श्याम के इंग्लिश में कितने थे, 8 और इसके थे 15. इसी तरीके से मैथ्स में इसके 18 थे, इसके 10 थे और इसके 19 थे. और हिंदी में कितने थे, 11 पहले वाले के, 7 फिर 12. और इसको हम इस तरीके से पर्टिकुलर एक ब्रैकेट में लिख दें, तो ये जो एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, एक मैट्रिक्स बोलेंगे. समझ में आ रहे स्टूडेंट्स? तो जो क्लास टेस्ट हमने लिया था बच्चों का, उनमें तीन स्टूडेंट्स हमने लिए, आप तीन से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं यहाँ पे. तो तीन स्टूडेंट्स के तीन सब्जेक्ट्स मैंने लिए, तीन से ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी आप ले सकते हैं. तो इन सब्जेक्ट्स का मार्क्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न में हमने इन एक रेगुलर अरेंजमेंट में मैंने इसको लिखा है. तो यही जो रेगुलर अरेंजमेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं. तो मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन हम बनाएं, तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी, अ मैट्रिक्स इज, आप देखिए जो नंबर्स है ये किस फॉर्म में है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोल सकते हैं इसको, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आ रहा है पूरा, इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ,
अब देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट, मैंने फ़िलहाल तो मार्क्स लिए, मार्क्स के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं हम, फंक्शन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इसके डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे कि अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं इसमें, फंक्शंस ATC। तो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई, समझ में आए स्टूडेंट्स। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अगर हम किसी पर्टिकुलर नंबर्स को रख रहे हैं या फंक्शंस को रख रहे हैं तो वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसमें देखिए जो मैट्रिक्स है, उस ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाई है इसमें दो तरीके के लाइंस बन रही है। एक तो ये बन रही है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बन रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके से बनती है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही है इनको हम क्या बोलते हैं, रोज़। कितनी रोज़ है इसमें, तीन रोज़ है। और एक तो इस तरीके की लाइन बन रही है और दूसरी वर्टिकल लाइन बन रही है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको देखिए आप, कितनी वर्टिकल लाइन बन रही है, एक वर्टिकल ये है, एक वर्टिकल ये है, एक ये वर्टिकल है। तो ये जो वर्टिकल लाइंस बन रही हैं इन वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं कॉलम्स, कॉलम्स। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं उनको रोज़ बोलेंगे और वर्टिकल जो है उनको हम क्या बोलेंगे, कॉलम्स बोलेंगे। तो इसमें कितनी रोज़ बन रही हैं, तीन रोज़, और कॉलम कितने बने यहाँ पे, तीन। तो मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है क्या है, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, इट मे दे मे बी फंक्शंस, फंक्शंस भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स में तो सारे नंबर्स आए गए। तो जो अरेंजमेंट बनेगा उसमें हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं उनको रोज़ बोलेंगे और जो वर्टिकल है उनको हम क्या बोलेंगे, कॉलम्स बोलेंगे। और देखिए अब ए बी सी डी ई एफ, इसमें आप देखिए रोज़ कितनी बन रही है, कॉलम्स कितने बन रहे हैं। रोज़ देखिए आप, फर्स्ट रो ये है, जो फर्स्ट रो यहाँ पे बन रही है इसको हम आर वन कह सकते हैं, फर्स्ट रो आर वन हो गई। सेकंड रो कितनी क्या है, आर टू, और ये थर्ड रो बन रही है आर थ्री। तो कितनी रोज़ बन रही है यहाँ पे, तीन। तो ये रोज़ हो गई, कॉलम्स एक कॉलम ये हो गया, कॉलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सी वन और ये क्या हो गया, सी टू। तो दो कॉलम्स बन रहे हैं ऐसे ही, वन टू थ्री ये लिख दिया मैंने। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स बन रही है इसमें कितनी रोज़ हैं, एक ही रो है, तो रोज़ कितनी हो गई, वन। कॉलम देखिए आप, वन टू थ्री, कॉलम इस तरीके से होंगे, तो कॉलम कितने बन रहे हैं इसमें, थ्री बन रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट हो गया, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी क्वेश्चंस भी लेने जा रहे हैं, फिलहाल बेसिक मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है एक्चुअल में। अगर आपको मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अभी फ़िलहाल मैं उसमें नहीं आता, पहले ऑर्डर पे ही आते हैं। देखिए ऑर्डर के लिए जैसे मैं फिर से एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसमें आप देखिए कितनी रोज़ हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकंड। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप देखिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है, थ्री, कॉलम कितना है, टू। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि जो बच्चे इसका ऑर्डर बोलते हैं थ्री इंटू टू बोलते हैं, तो थ्री इंटू टू सही नहीं माना जाता, हम इसको बोलेंगे थ्री बाई टू। द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ थ्री बाय टू, इस तरीके से बोला जाता है। फिर कुछ जैसे थ्री टू थ्री वन ले लिया मैंने, इसमें आप देखिए रोज़ कितनी है, वन टू थ्री, तो थ्री रोज़, और कॉलम कितने बन रहे हैं, एक ही कॉलम है इसमें पूरा, ये कंप्लीट कॉलम, तो थ्री बाय वन। तो ये इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर मैट्रिक्स का हम यहाँ पे इसके एंड में लिखते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स।
1, 2, 3, 4, इसका ऑर्डर सोचिए आप, कितनी रोज़ हैं इसमें? सिर्फ एक रो है, और कॉलम कितने हैं इसमें? 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, तो 1/4 इसका ऑर्डर हो गया। इसी तरीके से आप बाकी बुक से क्वेश्चन देख करके ऑर्डर निकालना सीख सकते हैं। बाकी मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम। अब अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप देखिए पहले केस में, फर्स्ट केस में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3/2, और इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा, 6। और अब देखिए इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको निकालने हैं तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड केस में देखिए आप, ये वाला एग्जाम्पल, इसका ऑर्डर था 3/1, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3। देखिए आप टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 3, इसको मल्टीप्लाई करिए 4, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4। तो किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देना है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये बात हो गई मैट्रिक्स के रोज और कॉलम की। अभी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स मैंने बताया कैसे निकालना, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 24 एलिमेंट्स हैं इसमें, और किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू कितना है, 24। तो आपको बताना है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो वो जो मैट्रिक्स रही होगी, जो मैट्रिक्स बनेगी, उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या ऑर्डर उसके पॉसिबल हैं। तो आप देखिए फॉर्मूले से अगर आप समझेंगे तो नंबर ऑफ़ रोज इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम इज इक्वल टू क्या है, 24। इसका मतलब क्या है, जितनी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज होंगी वो भी टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को डिवाइड करेगी, और टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स जितने होंगे वो भी टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को डिवाइड करेगी। जैसे यहाँ पे देखिए आप, पहले वाले एग्जांपल में टोटल एलिमेंट्स कितने आ रहे थे, 6, और रोज कितनी थी, 3, और 3 जो है 6 को डिवाइड करता है कम्प्लीटली, और कॉलम कितने हैं इसमें, 2, ये भी 6 को डिवाइड करता है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय नंबर ऑफ रोज एंड ऑल्सो बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 यहाँ पर दिए हुए थे, तो इससे जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो भी 24 को डिवाइड करेंगे, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो भी 24 को डिवाइड करेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो टोटल एलिमेंट्स के ही फैक्टर्स होंगे, बस ये सिंपल कंसेप्ट है। तो इसके क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हैं, एक तो 1/24 इसका ऑर्डर हो सकता है, इसका मतलब रोज कितनी होगी, 1, कॉलम कितने होंगे, 24, दोनों 24 को डिवाइड करते हैं। अब देखिए दूसरा, 24/1 यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी ले ली हमने, 24, और कॉलम कितने ले लिए, 1। और क्या हो सकता है, 2/12 यानी कि रोज कितनी होगी, 2, कॉलम कितने होंगे, 12, ये दोनों 24 को डिवाइड करेंगे। ऐसे ही आपको अरेंजमेंट बनाने हैं जो दोनों रोज और कॉलम इसको डिवाइड करने चाहिए। 12/2 भी हो सकता है, रोज कितनी होगी, 12, कॉलम 2, और 3/8, 8/3 ये भी दोनों 24 को डिवाइड कर रहे हैं, अब आपके समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही 4/6, 6/4, तो इतने इसके जो 24 टोटल एलिमेंट्स थे, उन 24 एलिमेंट्स को लेकर के अगर हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो उनका ऑर्डर इन्हीं में से कोई एक ऑर्डर बनेगा, इसके अलावा और कोई ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूँ, टोटल
एलिमेंट्स अगर मैं ले लूँ 13, तो उस केस में जो पॉसिबल ऑर्डर बनेगा मैट्रिक्स का वो क्या होंगे? सोचिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ डिवाइड, कम्प्लीटली डिवाइड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका मतलब इसका एक ऑर्डर तो 1/13 हो सकता है, एक 13/1, यानी कि पहले वाले केस में नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम 13, नंबर ऑफ रोज 13, नंबर ऑफ कॉलम 1। इसके अलावा आप 13 क्योंकि प्राइम नंबर है, इसका और कोई फैक्टर्स होंगे नहीं। तो यही दो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। तो अब आपके आई थिंक समझ में आ रहा होगा, अब एक क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, इसी फॉर्म का है। अगर टोटल एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में 18 हैं, तो उस मैट्रिक्स के जो उससे मैट्रिक्स बनेगी उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये आपका आपके लिए क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करें जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो अभी फ़िलहाल हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा बेसिक, रोज कॉलम, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालना है। तो ये तो बात हो गई ऑर्डर तक की। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राइट द एलिमेंट्स A2, 3। अब ये A2, 3 क्या है? देखिए, मैंने अभी आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया, किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से, Aij, और यहाँ पे M/n लिखा है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है मैट्रिक्स का, ये आपको याद कर लेना है। यहाँ नहीं, हायर एजुकेशन में अगर आप मैथ्स लेते हैं तो हर जगह ये आपको काम आएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा Aij M/n। अब जैसे यहाँ पे Aij मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3/3, यानी कि M की जगह पे भी 3 और N की जगह पे भी 3। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ A B C D, इस मैट्रिक्स में ये जो पहला एलिमेंट है इसको बोलते हैं A11। A11 क्यों? फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। अब आप देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, तो A12 हो जाएगा। अब आगे कोई एलिमेंट नहीं है, अब हम कौन से रो में आ गए, सेकंड रो में, तो इसको हम किससे लिखेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A21, और ये क्या है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट A22। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो 3/3 की है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उसमें, 3 × 3, 9, यानी कि रोज हैं 3, कॉलम है कितने, वो भी 3। बात करें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 रोज हैं, 3 कॉलम हैं। तो पहले रो का पहला एलिमेंट क्या होगा, A11, पहले रो का सेकंड एलिमेंट A12, A13, दूसरी रो में आ जाएंगे तो A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसमें फ़िलहाल आपसे कहा गया है कि जो Aij इज इक्वल टू दिया हुआ है i-j का मॉड अपॉन 2। सिर्फ क्वेश्चन में ये कहा है कि A23 हमको निकालना है, तो A23 का मतलब क्या है, i की जगह पे क्या रखना है, 2, j की जगह पे 3, तो हो जाएगा 2-3 का मॉड अपॉन 2, 2-3 -1 -1 का मॉड +1, 1/2 आ जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में तो इतना ही निकालना है, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर Aij इज इक्वल टू ये दिया है तो पूरी मैट्रिक्स 3/3 की जो मैट्रिक्स होगी वो उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स जो आएंगे वो क्या होंगे, पूरे मैट्रिक्स फॉर्म करो। उस केस में क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है। मैट्रिक्स मैंने आपको बता दी, ये है A11 निकालेंगे तो i की जगह पे क्या रखोगे आप, 1, और j की जगह पे भी 1 रखोगे, तो A11 क्या हो जाएगा, 1-1/2, 1-1 0, 0/2 0, तो A11 आ गया। A12 में क्या होगा, i की जगह पे 1, j की जगह पे 2, 1-2/2, मॉड निकालेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ये 1/2 हो गया। A13 में क्या हो जाएगा, अब आपके समझ में आ रहा होगा, 1-3 यानी कि 2, -2 आएगा वैसे, -2 का मॉड +2, और 2/2 कितना हो जाएगा, 1। समझ में आ रहा है? A21 क्या हो जाएगा, 2-1/2 यानी कि 1/2। A22 2-2/2 यानी कि 0। ऐसे A23 2-3/2 यानी कि 1/2। फिर ऐसे ही थर्ड रो में A31 कितना हो जाएगा, 3-1/2, 1, 3-2 1/2, और ये हो जाएगा 0।
बस ये मैट्रिक्स बन गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करनी है, मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ए आई जे एम बाई एन, एम बाई एन क्या है, एम नंबर ऑफ रोज, एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये बात हो गई हमारी मैट्रिक्स हमको कैसे फॉर्म करनी है। अगर हमसे कहा जाए कि ए आई जे एक मैट्रिक्स है और टू बाई टू की मैट्रिक्स है और जिसमें ए आई जे इज इक्वल टू दिया हुआ आई प्लस जे अपॉन टू, तो मैट्रिक्स फॉर्म करो। तो मैट्रिक्स क्या रहेगी, पहले हम ये बना लेंगे ए वन वन, दो रोज दो कॉलम, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। ए वन वन कैसे निकलेगा, आई की जगह पे वन, जे की जगह पे वन, वन प्लस वन यानी कि टू अपॉन टू वन, ये हो जाएगा थ्री बाई टू, ये भी हो जाएगा थ्री बाई टू, और टू प्लस टू अपॉन टू यानी कि टू। बहुत सिंपल है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व करें, मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। कोई कन्फ्यूजन अगर आपको होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, कंस्ट्रक्ट अ टू बाई टू मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज टू है, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं टू। तो अगर टू बाई टू की मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या बनेगी, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। इस मैट्रिक्स को फॉर्म करना है और हर एक पार्ट के लिए अलग अलग रूल आपको दिया हुआ है। ए आई जे यहाँ पे क्या दिया है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन टू। इसमें अगर हम ए वन वन निकालेंगे तो क्या आएगा, आई की जगह पे वन, जे की जगह पे वन, वन प्लस वन टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर अपॉन टू टू। इसी तरीके से बाकी भी एलिमेंट्स निकालिए, इसमें भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, टू बाई टू। इसमें जैसे हम ए वन वन निकालेंगे तो आई की जगह पे वन, जे की जगह पे वन, वन। ए वन टू कितना हो जाएगा, आई की जगह पे वन, वन बाई टू। ये कितना हो जाएगा, ए टू वन, टू बाई वन इनके टू, और टू बाई टू। इसका तो मैंने आंसर ही आपको बता दिया। इस तरीके से फोर्थ वाला भी है। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, कंस्ट्रक्ट एम बाई एन मैट्रिक्स यानी कि नंबर ऑफ रोज एम, नंबर ऑफ कॉलम एन, लेकिन आगे उसने एम की वैल्यू और एन की वैल्यू दी है, इट मींस इसका ऑर्डर क्या हो गया, थ्री बाई टू। और थ्री बाई टू अगर ऑर्डर होगा तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी तीन रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ए थ्री वन, ए थ्री टू। ए वन वन में आई की जगह पे वन, जे की जगह पे वन, यहाँ रख देंगे आप। तो इस तरीके से आप इस पूरे मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन को आप देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व नहीं कराया, लेकिन ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। इफ़ वी हैव टू इक्वल मैट्रिसेस देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी दो मैट्रिसेस अगर इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपको दो मैट्रिसेस इक्वल दी हुई हैं और हर एक केस में आपको एक्स और वाई निकालना है। तो पहले वाले केस में देखेंगे तो इसका जो पहला एलिमेंट है इसके पहले एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल, ऐसे एक्स इक्वल टू कितना हो गया, थ्री। तो एक्स तो मिल गया सीधे सीधे, और इस एक्स की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई कितना आ जाएगा, वन निकल गई एक्स और वाई की वैल्यू। ऐसे यहाँ एक्स इक्वल टू थ्री हो जाएगा, इसको इक्वेट करेंगे तो वाई निकाल लेना है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं, इक्वल वो तभी होंगे जब उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। हर एक मैट्रिक्स में यहाँ जो जो इक्वल दी हैं सबका ऑर्डर सेम होगा तभी वो इक्वल हो पाएंगे। तो इफ़ वी हैव टू इक्वल मैट्रिसेस देन देयर मस्ट बी अ कंडीशन दैट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो उस कंडीशन का यूज़ करके आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। काफ़ी डिटेल में मैट्रिसेस के बारे में मैंने आपको करा दिया और काफ़ी क्वेश्चंस भी आपको दे दिए मैंने। तो घर पर रहें, घर से बाहर ना निकलें, स्टे एट होम, बी सेफ। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हाँ बच्चे।